इसी बात को लेकर किसान भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि आप चाहे कितनी बातें कर लीजिए, आप चाहे कितने हमसे वादे कर लीजिए, हम उन वादों को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें लिखित में ही चाहिए। और बता दें आपको कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं बार बार पंजाब के सीएम से बात करने नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए। दिस इज ओमेगा टीवी मीडिया एंड यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया 24/7 सबसे आगे। सरकार और किसानों के बीच विज्ञान भवन में बातचीत शुरू। राजनाथ सिंह कर रहे हैं बैठक की अगुवाई। एमएसपी पर पुख्ता भरोसा चाहते हैं किसान संगठन। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन। किसान आंदोलन पर कनाडा में केपीएम ने जताई चिंता, कहा खबरें चिंताजनक, हम भारत के संपर्क में। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 6 सीटों पर वोटिंग जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर संभाग की स्नातक सीट के चुनाव के लिए किया मतदान। बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस आज। देश में बीएसएफ के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने शहीद जवानों को किया नमन। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम सहला पर सवाल में आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों सहला पर उनके ही पिता ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि ये पारिवारिक मामला बताया जा रहा है, लेकिन जब बात देश की आ जाती है तो परिवार का मामला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रह जाता, क्योंकि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो भले ही सनसनीखेज हों लेकिन संबंधित देश से भी हैं, सवाल देश को लेकर भी उठ रहे हैं और अब इसकी जांच होना भी बेहद जरूरी है। आज हम सहला पर सवाल में इस पर ही चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता सहला रशीद एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं। दरअसल सहला रशीद पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल राशिद शोरा का दावा है कि उन्हें उनकी बेटी से जान का खतरा है। साथ ही उन्होंने विदेशी फंडिंग की बात भी कही। जब सहला रशीद की ओर से आरोपों का जवाब दिया गया तो अब अब्दुल रशीद शोरा ने फिर पलटवार किया। अब्दुल रशीद शोरा ने कहा कि सहला से पूछा जाए अगर वो नेशनल पॉलिटिक्स में थी तो उनका अचानक कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का मतलब क्या है। सहला के लिए कश्मीर की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं। अब्दुल राशिद शोरा ने कहा कि सहला 370 के मसले पर सुप्रीम कोर्ट चली गई। कश्मीर की राजनीतिक दल जो पहले चुनाव से दूर गए थे अब फिर वो वापस चुनाव में आ रहे हैं। सहला के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने जहूर बटाली और रशीद इंजीनियर से 3 करोड़ रुपए लिए थे। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए डीजीपी से सुरक्षा की गुहार भी लगाई। हालांकि सहला ने पिता के सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अब्दुल रशीद पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। डीजी साहब को अपनी जो
प्रोटेक्शन मांगी है, उसमें मैंने उस बात का भी जिक्र किया है उस एप्लीकेशन में कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये पैसा वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ये कहाँ से आता है, कैसे आपको लगा कि देखिए ना जो मेरे खिलाफ केस इसने डाला है उसमें ये मेंशन कर रही है कि ये बेकार है, इसका कोई जवाब नहीं है, इसकी बहन बेकार है, उसका कोई जवाब नहीं है। अब आप इनके अकाउंट्स को ही देख लो, जो बेकार होगा वो किस तरह के खर्चे करता होगा। तो शहला रशीद के पिता ने जो आरोप लगाए हैं वे वाकई गंभीर हैं, क्योंकि आरोप देश से जुड़े हुए हैं, एंटी नेशनल उन्होंने अपनी ही बेटी को बताया है। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि ये आरोप कहीं बाहर से नहीं लगे, घर के अंदर से ही उठे हैं। तो दूसरी तरफ शहला रशीद का कहना है कि उनका पारिवारिक मामला है, पिता के साथ घरेलू विवाद चल रहा है, घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा के भी आरोप लगाए गए हैं पिता पर। लेकिन जिस तरह से पिता ने ये आरोप लगाए हैं, अब इन आरोपों की जांच होना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी एंटी नेशनल है और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, उन्होंने 3 करोड़ रुपए भी लिए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशिफ इकबाल नायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशिफ जी आपका। जी बानो। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़ गए हैं, संदीप द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। जी धन्यवाद। और विनय यादव जेएनयू के स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए मैं विनय सबसे पहले सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि शहला पूर्व जेएनयू छात्र नेता रह चुकी हैं, जेएनयू से उनका संबंध रहा है। आज जो उन पर आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पहली बात ये आरोप घर से ही निकले हैं, किसी बाहरी ने ये आरोप नहीं लगाए हैं। दूसरा अगर इसका पक्ष देखा जाए तो घर में चलिए कुछ विवाद भी चल रहा है, लेकिन अगर कुछ विवाद है तो इतने गंभीर आरोप अगर कोई लगाएगा तो वो चिंता का विषय है। और दूसरी बात, ये जो आरोप है वो देश से संबंधित है, अब इस पर चर्चा होना लाजमी है। सर शुरू करें। जी जी, मैं कहना चाहता हूँ पहली बार शैला राशिद जो है जेएनयू को छात्र रही है और यूनियन जीत के स्टूडेंट के प्रतिनिधि जेएनयू में की है। और आप ये जिस तरह से ये अभी इनके पिताजी का जो बयान आया है जो मैं अभी पढ़ा हूँ देखा हूँ, तो इससे ये महसूस होता है कि जब ये कोई भी महिला कोई भी छात्र जब कोई लड़की एक आवाज उठाती है तो वो किस तरह से, आप वो बता दिए कि वो एंटी नेशनल, आज तक जेएनयू का जो मैटर है अभी वो साबित नहीं हुआ कि ये लोग उसमें शामिल थे कि नहीं थे। और रही बात उनके पिताजी जो आरोप लगा रहे हैं उससे ये हम लोगों को पता चल रहा है, उनके पिताजी जो है घरेलू हिंसा में 17 नवंबर को श्रीनगर में एक अदालत में उन्हें अर्जी लगाई थे अपने पिताजी के खिलाफ ही हमारे मतलब घरेलू शोषण कर रहे हैं उनके माँ के ऊपर उनके बहन के ऊपर। ये मैटर है, ये मामला नहीं एंटी नेशनल, एंटी नेशनल जोड़ने का उनके पिताजी वो कर रहे हैं। आप विनय बताइए, विनय 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 ऐसा नहीं है कि शहला पर ये आरोप अब लग रहे हैं, पहले भी उनके साथ बहुत सारे गंभीर आरोप लगते रहे हैं और बहुत सारे गंभीर आरोपों को वो झेलती रही हैं, उन पर इस तरह की जांच की बात भी होती रही है। उन्होंने आर्मी तक पर आरोप लगा दिए, उन्होंने देहरादून में लड़कियों को प्रताड़ित करने के आरोप लगा दिए, तमाम आरोप उन्होंने लगा दिए। तो इससे क्या पता चलता है कि हर कोई उनके खिलाफ है क्या? नहीं नहीं, आप ये समझिए कि ये समाज में जब महिला आवाज उठाती है अपने हक की बात करती है अपने राइट की बात करती है तो वहां पर कहीं ना कहीं आप लोग देशद्रोह या फैमिलियर रिलेशन से वो मानता हूँ, लेकिन अगर कोई अपने फ्रीडम के लिए बात करे, अपने सोसाइटी के लिए बात करे, अपने घर की आवाज के लिए बात करे कि छात्र छात्र युवा नेता भी रही है, 3 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है लेने की, आप बताइए कौन सी एजेंसी आपको लिख के दिया, आप बता दीजिए कि एजेंसी ने प्रूफ कर दिया 3 करोड़ ले ली है। विनय ये तो जांच का विषय है, तभी तो हम बात कर रहे हैं, अब इस पर जांच होगी उसके बाद सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये आरोप देखिए, ये आरोप किसी और ने नहीं लगाए, घर से निकल कर आए उनके पिता लगा रहे इतने गंभीर आरोप।
उनके पिताजी किस रूप में लगाए हैं, पहली बात उन्होंने जिस हिसाब से जो ट्वीट किया है हम लोग तो वहां जाकर देखे नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पिताजी जिस तरह से वो घरेलू हिंसा उनको प्रताड़ना कर रहे थे उन लोगों को, उनके माँ के ऊपर, उनके बहन के ऊपर, उस वजह से 17 नवंबर को जो श्रीनगर में कोर्ट में गए तो उनको घर में जाने से मना कर दिया। ठीक है, ये मामला है पूरा। चलिए ठीक है, ठीक है विनय। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप द्विवेदी जी। संदीप, जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी पर यह आरोप लगा रहा है और आरोप अगर देश को लेकर हो तो बात करना लाजमी है, उस पर जांच का भी विषय बनता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यह घरेलू हिंसा का भी एक मामला सामने निकल कर आ रहा है। क्या लगता है कि जो पिता आरोप लगा रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा सच्चाई है या अभी और गहराई में जाना चाहिए? देखिए, घरेलू हिंसा का मामला है ना, है या नहीं है ये इंक्वायरी का मैटर है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लोग जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर लिखाई है तो उस पर पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही होगी, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ होता कि जिसमें बहुत ज्यादा स्थिति संवेदनशील होती तो पुलिस अभी तक एक्शन ले चुकी होती। दूसरी चीज रही बात इनके ऊपर देशद्रोह के आरोप लगाने की बात, तो वो अब से थोड़ी हो रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग में कौन देखा गया था, किसने खुल के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया था, किसने जेएनयू में 10 रुपए से 600 रुपए हॉस्टल फीस कर दी जाती है तो आप सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन आप बिहार बंगाल और कहीं भी आपको जाना है तो आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर लेते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। तो इनकी गतिविधियों पहले से ही संदिग्ध थी और कहीं ना कहीं पहले से ही जांच एजेंसियों की निगरानी में ये थी। बस ये है कि अब इनके घर से ही आवाज उठी है कि उनकी जो बेटी है वो गलत जो गतिविधियां हैं, देशद्रोही गतिविधियां हैं, उनमें संलिप्त है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि ताज्जुब हो कल को अगर किसी इंक्वायरी में साबित हो जाए कि जो सहला रसूद है इन्हें विदेशी फंडिंग आई है। आज ये लोग क्यों किसी भी नेशनल एक्टिविटी का विरोध करते हैं, चाहे वो सीए ना आया हो तब भी लोगों को डराने की कोशिश करते हैं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, चाहे किसान बिल इंप्लीमेंट प्रॉपरली ना हो पाया हो लेकिन किसानों को डराने की कोशिश करते हैं कि आपकी एमएसपी छिन जाएगी। ये बेसिकली इन्हें पता है कि जब तक जिस तरीके से मोदी सरकार इनकी विदेशी फंडिंग पर लगाम कस रही है, चाहे वो एफसीआरए के माध्यम से जो उल्टे सीधे हवाला केसेस करने वाले एनजीओस थे उनके ऊपर लगाम लगाने की बात हो या अदर चीजों पर जो सरकार ने लगाम लगाई है, तो ये बौखलाए हुए हैं। और मैं फिर कहूंगा, सहला रसूद अगर कल को साबित हो जाए कि इन्होंने एंटी नेशनल फंडिंग ली है तो इसमें हमें बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा। चलिए ठीक है, आसिफ इकबाल जी, सहला पर गंभीर आरोप लगा दिए, उनके पिता ने आरोप लगाया, लेकिन एक आरोप यह भी लगाया है कि आप जब नेशनल पॉलिटिक्स में थी तो कश्मीर में आकर पॉलिटिक्स करने की आपको इतनी जल्दी क्या पड़ गई, इतनी जरूरत क्या पड़ गई? आप नेशनल पॉलिटिक्स में थी, आप वहां पॉलिटिक्स करती रहती, कश्मीर में ऐसा क्या था पॉलिटिक्स करने के लिए जो आपको यहाँ आना पड़ा? कश्मीर में जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता, जितने आप इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे उतनी आपको बाहर पब्लिसिटी मिलेगी। तो शैला की बात अगर की जाए तो जो शैला रशीद है उसको लेफ्ट की आइडियोलॉजी से जोड़ा जाता है, जो हमेशा कश्मीर को लेकर काफी क्रिटिक रही है और आर्मी और ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर काफी क्रिटिक रही है। चलो हम मानते हैं जो क्रिटिसिज्म है वो एक बेस है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें क्रिटिसिज्म जो है वो होना चाहिए ताकि जो हमारा सिस्टम है वो सुधरेगा। जिस तरह से हमारे बीजेपी के लीडर ने बात की सीएए की, वो हमारा इंटरनल मैटर है, वो इंडिया की कंट्री का इंटरनल मैटर है, उस पर हम अगर बेस भी करें तो चले, लेकिन यहाँ पर जो आरोप लगे हैं वो एंटी नेशनल आरोप लगे हैं और 3 करोड़ जो है वो लिए। जैसे कि आपने बात खुद ही की कि शैला रशीद के पिता ने जो है ये आरोप लगाए हैं और किसी ने नहीं लगाए। हमारे लिए खुशी की बात ये होती कि अगर शैला रशीद ये बयान देती कि मैं हर किसी जांच के लिए तैयार हूं, आए चाहे एनआईए आए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आए, जम्मू कश्मीर पुलिस आए, चाहे जो भी एजेंसी हमारे पास, जितनी भी एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो इस तरह के मामलों की जांच करती है, तो अगर शैला रशीद ये कहती कि मैं ओपन हूं, आई एम ओपन टू द प्रोब, आए कोई भी एजेंसी, अगर मेरे खिलाफ कुछ निकलता है एंटी नेशनल तो आप मुझे अंदर डाल दीजिए। जिस तरह से हमने देखा कि जो इंजीनियर रशीद जो है वो ऑलरेडी अंदर है, जो बिजनेसमैन यहाँ के जो जहूर बटाली थे वो भी जो है वो अंदर है, एनआईए के शिकंजे में इस तरह से काफी लोग फंसे, और पिछले दिनों ही हमने देखा कि पीडीपी के जो यूथ प्रेसिडेंट है जेएनके के अब्दुल वहीद रहमान पारा जो है वो अंदर है मिलिटेंसी के लिंक में, उन पर एलिगेशन थे और इस वक्त एनआईए की कस्टडी में। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे ये केस जो है वो दो तरह का है, एक जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, दूसरा
जो आरोप लग रहे हैं 3 करोड़ जो है वो एक छोटा अमाउंट नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि अगर हम देखेंगे कि जिस प्रॉपर्टी में शैला रशीद का जो बाप क्लेम कर रहा है उसको जो है वो अंदर आने नहीं दिया गया है, वो प्रॉपर्टी किसकी बनी है। हाँ, हम मानते हैं कि जो शैला रशीद का पिता जो है, मुझे लग रहा है इस वक्त वो 65 साल के हैं, और इस वक्त अगर वो जो शैला रशीद इस वक्त 30-32 साल की है, या उसकी बहन जो है वो इसी एज के ग्रुप में है, उसकी मदर जो है वो भी ओल्ड एज में है, इस स्टेज पर जो है वो अगर वो ये आरोप लगाते हैं अपने पिता पे कि वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है और उसी पिता को, क्योंकि पिता को जो है वो घर से बाहर निकालते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं, इस तरह के मामले काफी सामने आते हैं कि जहां पर अपनी औलादें जो है वो पिता को बाहर निकालती है। लेकिन मैं जो हूं इसके फेवर में हूं कि इसकी इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इस तरह के आरोप सिद्ध साबित होते हैं तो जो कानून है उसको अपना कार्रवाई करनी चाहिए। अगर देखा जाए जो शाह फैसल, जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, उन्होंने जो IAS थे, टॉपर थे यहाँ पर, उन्होंने जो बनाई थी, अब उससे वो डिसएसोसिएट हो गए, उन्होंने भी जो है वो ट्वीट किए हैं कि उनका इस केस से कोई वास्ता नहीं है, वो तयार है अगर उनको NIA बुलाती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बुलाती है, बिल्कुल वो जांच के लिए तैयार है। तो इसी तरह का बयान जो है वो शीला रशीद को भी जो है वो देना चाहिए। चलिए ठीक है, विघ्नेश झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। विघ्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। विघ्नेश जी, शैला रशीद के पिता आरोप लगाते हैं, गंभीर आरोप हैं शैला पर, हालांकि शैला उसका खंडन करती हैं, लेकिन अब ये लगता है कि इतने गंभीर आरोप जब लगते हैं जो देश से संबंधित होते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं जांच का विषय भी बनता है, लेकिन शैला कहती हैं कि घरेलू विवाद है, लेकिन शैला ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं किसी भी जाँच के लिए तैयार हूँ? देखिए, जो पार्टी की तरफ से मेरी ओपिनियन होगी जी, वो ये होगी कि शैला रशीद हैं या इस स्थान पे कोई भी हो, उन्हें जांच की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, और जांच की जो प्रक्रिया है, जो इंक्वायरी का प्रोसेस है, वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो या फिर जो गंभीर आरोप उनके पिता ने उनपे लगाए हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इंडिया के पीस को हैम्पर करना चाहती है, उनके साथ उनका जो संबंध है, इसकी बात हो, शैला रशीद को जांच की प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना चाहिए, और हम ये भी साथ में उम्मीद करेंगे कि ऐसे जो मामले आ रहे हैं, ऐसे जो मामलात आ रहे हैं, इसका जो पॉलिटिकल इस्तेमाल है वो ना हो साथ में, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड सा बनता हुआ नजर आ रहा है कि जितने भी केसेस इस तरह के आ रहे हैं, इसका एक बहुत तेजी से राजनीतिकरण होता है और राजनीतिक इस्तेमाल शुरू हो जाती है। ये केस अगर, क्योंकि मामला इतना गंभीर है कि अगर इसमें शैला रशीद कहीं तो भी दोषी पाई जाती है तो उनके ऊपर पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके ऊपर एक जो भी संभव कार्रवाई है वो की जानी चाहिए, लेकिन अभी ये तय नहीं है, जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तय नहीं होगी, और तब तक इसका राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। यानी कि विघ्नेश जी, इस पूरे मामले की इंक्वायरी अब होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और पूरी निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए, विनय यादव हमारे साथ हैं, JNU के स्टूडेंट हैं। विनय, क्या कहेंगे, क्यों शैला रशीद ये नहीं कह रही है कि मैं जांच के लिए तैयार हूं, अगर मेरे पिता ने मुझ पर कोई भी आरोप लगाए हैं या पहले से जो भी आरोप लगते मुझ पर आ रहे हैं, आप उनकी खुले तौर पर जांच करवा लीजिए, हर एजेंसी का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। शैला रशीद जब JNU में थी तब भी वो चाहे स्टूडेंट की आवाज उठाने की बात हो तब उठाती थी, और इलेक्शन जीतने के बाद भी जिस तरह से एंटी नेशनल का गेम बीजेपी के द्वारा प्लान करके चलाया गया, उस तरह से भी वो लोग। विनय, आवाज उठाने का हक तो देखिए हर किसी को है, आवाज उठाना ठीक है, लेकिन अगर आप आवाज ऐसी उठाते हैं जो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा बन जाए या देश के विरोध में हो, तो उस आवाज पर इंक्वायरी करना भी जरूरी हो जाता है, और उस इंक्वायरी के लिए आपको तैयार रहना भी जरूरी होता है।
नहीं वो तो तैयार, वो फैला रफीद हो सकता है किसी वजह से जांच एजेंसी के बारे में अभी नहीं बयान दिया हो कि इसका जांच, लेकिन ये है जांच एजेंसी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति थोड़ी कहेगा हम 10 करोड़ पाए भैया या हमें इंटरनेशनल फंडिंग मिला हमारी जांच मत करो, एजेंसी को उनको गिरफ्तार करना चाहिए, जो भी अगर लीगल कार्रवाई हो करनी चाहिए उसमें नो डाउट कोई डर। रही बात और दूसरा, इसमें दो मामला, एक पिता घरेलू हिंसा में लिप्त है उसके वजह से फैला राशि को जैविक पिता भी है उनके, और इस वजह से और वो घर के प्रॉपर्टी उनके, आप सोचिए उनकी माँ भी फैला रफीद जी के साथ है, उनकी बहन भी, और पिता ही क्यों ऐसे हुए कि अलग हो रहे हैं, कहीं कहीं हमें लगता है मानसिक रूप से बीमार उनके पिताजी हैं। तो उनकी माँ को भी तो माता जी को और उनकी बहन जी को भी तो सामने आकर ये सफाई देनी चाहिए कि जो पिता कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, ये घरेलू हिंसा है, इससे वे घबराए हुए हैं या जो भी उनके ऊपर दबाव है इस कारण बस ये बयान दे रहे हैं, परिवार का और भी कोई सदस्य सामने नहीं आ रहा। और हो सकता है कहीं कहीं इसमें बीजेपी का भी वहाँ पर और लोकल अपने पॉलिटिक्स के लिए भी यूज कर रहे हो कि किस तरह, यानी आपको लगता है कि बीजेपी के दबाव में आकर उनके पिता ये बयान दे रहे हैं? हो सकता है नो, क्यों नहीं, अब जब जेनू जैसे संदीप द्विवेदी जी और हमें भी लगता, चलिए जवाब ले रहे थे संदीप जी, मोहरा बना रहे हैं क्या आप उनके पिताजी को? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अगर उनके पिताजी मोहरा बन रहे हैं तो न तो कोई वो नाबालिग बच्चा है जो कि कोई भी ना गुमराह कर देगा, और ना ही वो सहला रसीद की तरह लालची हैं कि कोई उन्हें फंडिंग दे देगा तो वो बीजेपी के बहकावे में आ जाएंगे। इसलिए इस तरह के आरोप लगाना कि बीजेपी बहका रही है, तो मुझे लगता है कि ये वही लोग लगा सकते हैं जो खुद बहके हुए हैं और जो खुद कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रैक्टिकली ये कई बार मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी बातें आई हैं कि 2014 के आने के बाद जिस तरीके से एग्रेसिवली बीजेपी ने एंटी नेशनल फंडिंग पे लगाम लगाई है, उससे जो एक बहुत बड़ी लॉबी थी जिसने अपनी अय्याशी के लिए विदेशी फंडिंग का यूज किया और वो सिर्फ इस देश में एंटी नेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट करती थी, उनके जो सपने थे वो टूट गए। तो उन्हें फिर यही एक तरीका लगा कि कभी आप दलित आंदोलन करिए, कभी जाट आंदोलन करिए, कभी गुर्जर आंदोलन करिए, कभी किसान आंदोलन करिए, और कभी आप शाहीन बाग पर बैठ जाइए। शाहीन बाग में आप खुल के आई ना टेरर फंडिंग, खुल के इन्वॉल्व थी उस एक्टिविटी में। दूसरी चीज, कश्मीर को लेके हमेशा पाकिस्तान और चाइना बहुत बड़े लेवल पे फंडिंग करता रहा है जिससे कि कश्मीर अशांत रहे और वो प्रॉपर एजेंडा चलाता है। जब चाइना फंडिंग कर रहा था, ये बताओ पाकिस्तान फंडिंग कर रहा था, हमारे भारत देश की एजेंसियां कहाँ थी, क्यों नहीं उसको अरेस्ट कर रही उन लोगों को? अभी अपने आका मनमोहन सिंह, अपने आका मनमोहन सिंह से पूछ लेते क्यों 40,000 एनजीओ के अफसर खत्म किए गए और खुल के साबित हुआ कि वो कहीं ना कहीं हवाला में इन्वॉल्व थे। देखिए मैं खुल के कहूंगा, सरकार ने अगर एक्शन लिया, अगर सरकार ने एक्शन लिया है तो उन एनजीओ ने क्यों सुप्रीम कोर्ट में? संदीप जी आप विनय यादव से बात कर रहे हैं, जेएनयू के स्टूडेंट है विनय यादव। मैं इसमें आना चाहता हूँ, वही उसी दिन है ना, इनके सामने जहाँ टुकड़े टुकड़े के नारे लगते रहे, मुंह बंद करके घरों एक्सल में घुसे रहे, उसी जेएनयू से है ना, सर मानी तो इनके सामने जेएनयू में देश के टुकड़े करने के नारे लगे रहे, ये आपकी सर की बात है। सुप्रीम कोर्ट का क्यों नहीं जेएनयू कर दिए सबको परेशान, और अगर जनता उससे उठ के खड़ी हो गई तो पाकिस्तान चलिए रोकूंगा संदीप जी आपको, विघ्नेश जी आपको भी मैं रोकना चाहता हूँ, विघ्नेश जी रोकना चाहता हूँ, आसिफ इकबाल जी क्यों ना जांच उनके दोनों तरफ होनी चाहिए, शहला के खिलाफ भी और शहला के पिता के खिलाफ भी, हो सकता है किसी दबाव में आकर वो ऐसा कह रहे हो। देखो मैं आपको ये बात कहूंगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तभी जो है वो साबित होगा जब एक इन्वेस्टिगेशन होगी। हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो शिक्षा ऑफिशियल थे उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस वक्त इलेक्शन में बिजी हैं और वो इस मामले पर अभी तक खुद चुप्पी साधे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेप इन करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो उसको स्टेप इन करना चाहिए, और ये प्रोब जो है यहाँ एनआईए को, यहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को देना चाहिए, क्योंकि 3 करोड़ जो है वो काफी अमाउंट है जो इल्जाम लग रहा है। जी, जी। बात ये भी है कि 65 साल की उम्र में शेला रशीद के बाप को घर के दरवाजे क्यों अपनी ही बेटियों से जो है वो बंद हो रहे हैं, उसकी भी कोई वजह होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, जब कसूर कहीं ना कहीं से दोनों तरफ से होगा तभी जाकर जो है ये नौबत आ गई, और शेला रशीद के बाप पर भी ये सवाल उठते हैं कि
वो आज तक खामोश क्यों रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जो हमारे बीजेपी और कांग्रेस के और जो जेएनयू के जो स्टूडेंट है वो आपस में अभी तक बहस कर रहे थे और लड़ रहे थे कि मनमोहन सिंह जी से पूछे उनसे पूछे, ये जो टेरर फंडिंग का इश्यू है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि जो पाकिस्तान और उसकी ISI है वो हमेशा नए नए तरीके जो है वो देखती है कि क्योंकि बॉर्डर पर जैसे ही जो है वो टाइट हो गया, हवाला मनी आना बंद हो गया, तो कुल मिलाकर जो अंदर से ही जो है वो फंडिंग जनरेट होती थी और आज भी जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ड्रोन से हथियार गिराए जाते हैं, कभी टनल से आतंकी बेचे जाते हैं, तो ये जो है नए नए तरीके जो है वो निकालते हैं जिन तो, मतलब मैं अगर आपको बताऊंगा अगर हमारी एजेंसी जो है वो यहाँ पर बैठी है जम्मू कश्मीर में अमन हो जाए तो बॉर्डर पार भी जो लोग बैठे हैं वो भी काबिलियत रखते हैं कि हम यहाँ पर किस तरह से डिस्टर्बेंस फैलाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो ये आया है, चाहे दलित आंदोलन हो चाहे जाट आंदोलन हो, ये जो है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम आवाज उठा सकते हैं, अगर दलितों के खिलाफ कोई जो है अत्याचार हो रहा है या जाट के खिलाफ अत्याचार हो रहा है चाहे किसी के भी खिलाफ अत्याचार हो वो जो है वो एक अलग बात है, लेकिन जो एंटी टेररिज्म जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आज तक 50 से 60 हजार लोग जो है मरे हैं जिनमें काफी बेकसूर लोग भी जो है वो इसकी भेंट चढ़े, चाहे आप उस एक बच्चे की तस्वीर को याद कर लो जो अपने दादा के छाती के ऊपर बैठा था जब वो मरा था तो यहाँ पर जो है वो क्रॉस फायरिंग के बीच में वो आया था। तो कुल मिलाकर जो है वो जम्मू कश्मीर ने जो है वो पिछले काफी सालों से पर किया है, तो हम आज भी जो है यहाँ पर 4G से वंचित है, सिर्फ बेस जो है वो 4G के लिए यही है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो ISI और जो पाकिस्तानी एजेंसीज है वो डिस्टर्बेंस फैलाना चाहती है और 4G नेटवर्क जो है इसीलिए बंद किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की भी साजिश हो सकती है। अब ये इंक्वायरी का मामला है, बहरहाल वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं एक पॉइंट से कंक्लूड करना चाहूंगा, इन सब को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, जहां पर भी टेरर और टेररिज्म और बिल्कुल जहां देश की बात आ जाती है सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक मंच पर आना ही चाहिए। एक बात मैं भी इंक्लूड करना चाहूंगा, जरूर जी, पूर्व प्रधानमंत्री जो कि सबसे ज्यादा नीट एंड क्लीन छवि वाले रहे हैं, जो खुल के कहता था कि चलिए ठीक है विघ्नेश जी रोकना चाहूंगा, संदीप जी रोकना चाहूंगा, बहरहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुद्दे पर फिर हम चर्चा करेंगे कभी, लेकिन बहरहाल इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें कि सहला पर अब तमाम सवाल उठने लगे हैं, लेकिन सवाल दूसरी तरफ ये भी उठ रहा है कि आखिर सहला के पिता इतने वक्त तक चुप्पी क्यों साधे रहे। अब यह पूरा एक इंक्वायरी का मामला हो गया क्योंकि बात देश हित के संदर्भ में आ गई है, देश पर बात आ गई है, अगर एंटी नेशनल है सहला तो पिता अब तक चुप क्यों थे, और अब जांच होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सहला की नहीं सहला के पिता की। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खेतों से खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांव से, बदलते वक्त के साथ बदलती गांव की तस्वीर, गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से हम आपको कराएंगे रूबरू। न्यूज इंडिया का खास प्रोग्राम गांव की चौपाल, जल्द ही न्यूज इंडिया पर। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। अपनाओ भारत का पहला हर्बल देना जी सत्रीठा शैम्पू, जो बालों को लंबे काले और घने बनाए। आ गई।
दिनाजी सतरीठा शैम्पू। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। देखिए स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 12 बजे और 3:30 बजे। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरों की सौगात सिर्फ न्यूज इंडिया पर। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको खबर सिर्फ न्यूज इंडिया पर। खबरों की दुनिया में रात कभी नहीं होती, क्योंकि खबरें कभी नहीं सोती। सुबह की ताजगी के साथ हम लाते हैं आपके लिए ताजा खबरों की सौगात सिर्फ न्यूज इंडिया पर। खेतों से खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांव से, बदलते वक्त के साथ बदलती गांव की तस्वीर। गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से हम आपको कराएंगे रूबरू। न्यूज इंडिया का खास प्रोग्राम। दिस इज ओमेगा टीवी मीडिया एंड यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया 24/7। सबसे आगे किसान नेताओं सरकार के बीच बातचीत जारी। सरकार की ओर से राजनाथ सिंह कर रहे अगुवाई, एमएसपी पर पुख्ता भरोसा चाहते हैं किसान संगठन। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन। किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम ने जताई चिंता, कहा खबरें चिंताजनक, हम भारत के संपर्क में। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 6 सीटों पर वोटिंग जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर संभाग की स्नातक सीट के चुनाव के लिए किया मतदान। बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस आज। देश में बीएसएफ के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री ने शहीद जवानों को किया नमन।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। इस वक्त रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान और सरकार के बीच बैठक जारी है। किसान और सरकार के बीच इस वक्त बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं अगुवाई। किसान और सरकार के बीच इस वक्त बैठक चल रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह कर रहे हैं बैठक की अगुवाई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं किसानों की बैठक में। राजनाथ सिंह इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। बैठक में 35 किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं। किसान और सरकार के बीच ये बैठक इस वक्त चल रही है। राजनाथ सिंह इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। 35 किसान नेता मौजूद हैं। पहले विकल्प सुनेंगे, फिर करेंगे फैसला। कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद हैं। 35 किसान नेता ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इस बैठक में किसान प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इस वक्त ये बैठक जारी है और बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बैठक से पहले किसानों ने क्या कुछ कहा था। जो मोदी जी कल यूपी में बोल के हैं उसके साथ ज्यादा नहीं लगती। हम सरकार से बिना शर्त उन्होंने बुलाया तब असी आए। पहला शर्त ना बुलाते सी असी नहीं आए, सो अज आए हैं। असी ये जो बिल नॉन नगोशिएशन मिल रहा, असी कह चुके हैं, सारा देश कह चुका भी ये गलत है, किसान के हित में नहीं है। जो किसान ही बोलते हैं इसको रद्द करो, क्यों नहीं गवर्नमेंट रद्द करती? जान के वो मोदी कोई बयान दे रहा, कोई दूसरा कोई बयान दे रहा, वो वैसे जान बुझ के देश के दे उथल पुथल करना चाहते हैं। इंडिया नू कारपोरेट राज ही बनाना चाहते, इन असं बर्दाश्त नहीं करांगे। किसान मोदी क्या बोलता है, मोदी के ऊपर भरोसा है? मोदी तो कहता था कि हम काला धन निकाल के 15-15 लाख रुपए दे देंगे, आपका किसमें किसकी जेब में आ गया? मोदी क्या बोलता है? मोदी तो बोलता मैं करोड़ों लोगों को पैदा करूंगा। क्या बोलता है मोदी? मोदी मैं देश को चमका दूंगा। जीडीपी डाउन हो गया, इतना आर्थिक मंदवाड़ा हो गया, मोदी तो बहुत कुछ बोलता है। वहीं नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब हरियाणा से आए हजारों किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को भारत में किसानों की ओर से नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के बारे में चिंता व्यक्त की। ट्रूडो ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की 551वीं जयंती के अवसर पर कनाडाई सांसद बर्दिश चग्गर द्वारा आयोजित एक फेसबुक वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए चिंता जाहिर की। तो वहीं ट्रूडो ने कहा कि आपको याद दिला दूं, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। हम बातचीत के महत्व पर विश्वास करते हैं। That being able to come together and celebrate like this is really wonderful. So it's wonderful to be here with Minister Sajjan, Minister Baines, Minister Chagger, all of our friends from the Sikh community and Sikh members of Parliament as well. I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान लाखों की संख्या में दिल्ली की सीमा पर बैठकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह किसानों की समस्याएं और उनके आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने मीडिया वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसा ऐतिहासिक कानून बनाने के लिए कौन से किसान संगठन ने अनुरोध किया था, वे देश और देश के किसानों को झूठ क्यों बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी
को इस ऐतिहासिक बिल को बनाने के लिए किसने कहा, किसने उनको अनुरोध किया, किस देश के किस किसान संगठन ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारा ये फायदा कर दीजिए, हम बड़े विचलित हैं, परेशान हैं। आप देश से बार बार झूठ क्यों बोलते हैं, देश के किसानों से झूठ क्यों बोलते हैं? आपने कहा हमने पार्लियामेंट में कह दिया आपको एमएसपी मिलेगी। अरे भाई, पार्लियामेंट में भाषण देने से एमएसपी नहीं मिलती है, कानून में लिखने से एमएसपी मिलेगी, बिल में लिखने से एमएसपी मिलेगी, और बिल में आपने लिखा नहीं। अगर मान लीजिए मैं एक किसान हूं, मुझे एमएसपी नहीं मिली, मैं कोर्ट में जाऊंगा तो जज साहब से यह कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आप मुझे एमएसपी दे दीजिए। जज साहब तो पूछेंगे भाई बिल में कहां लिखा हुआ है एमएसपी। तो पहली बात, एमएसपी की गारंटी इस बिल में नहीं है। साफ तौर पे इसमें लिखना चाहिए कि अगर कोई भी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देगा तो उसको जेल होगी, सजा होगी। किसानों के कृषि कानून